हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम फेमस फ्रेंच राइटर एमिल गबारियो की फेमस शॉर्ट स्टोरी द अकर्स्ड हाउस की समरी हिंदी में पढ़ेंगे, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की है। एमिल अपनी रिमार्केबल डिटेक्टिव स्टोरीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे, तो ये स्टोरी जो है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी में पहला करेक्टर है मिस्टर विकोमट डी बी। ये एक बड़ा ही प्यारा सा चार्मिंग पर्सन है जो कि अपनी अच्छी इनकम से रह रहा था। अचानक उसे पता चलता है कि उसके कंजूस अंकल की डेथ हो जाती है और उस कंजूस अंकल की सारी प्रॉपर्टी इसको मिल जाती है। जब वो सारी प्रॉपर्टी को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अंकल का एक घर था जो अंकल ने 1849 में 3000 फ्रैंक में लिया था, और अब यहाँ पे किराएदार रहते हैं जो उसे साल के 82,000 फ्रैंक की इनकम देते हैं। तो वो ये सोचता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा है, और मैं एक अच्छा आदमी हूं, और अगर मैं इन लोगों का किराया कम कर देता हूं तो ये लोग मुझे दुआएं देंगे। तो अगले दिन वो क्या करता है, इस बिल्डिंग का जो केयर टेकर होता है जिसका नाम होता है बर्नार्ड, वो उसको बुलाता है। अब बर्नार्ड को बुलाता है तो उसको ये बताता है कि तुम जाओ और सारे किराएदारों को बता दो कि मैंने उनका किराया 1/3 कम कर दिया है। पर ये बात सुनकर बर्नार्ड को झटका सा लगता है। उसने बोला कि सर क्या किराया कम कर दिया, मजाक तो नहीं कर रहे हो, लोग तो ज्यादातर किराया बढ़ाने की बात करते हैं। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। वो हैरान हो जाता है और फिर वो वापस अपने जब घर जाता है तो घर जाकर वो कंफर्म करता है और फिर वो अपने घर जाता है। जब घर जाता है तो वहां उसकी वाइफ होती है जिसका नाम होता है मैडम बर्नार्ड, और इनकी एक बेटी है जिसका नाम है अमांडा। तो ये वाइफ और बेटी दोनों आपस में बैठी हुई बातचीत कर रही होती है। जब मिस्टर बर्नार्ड वहां जाते हैं तो वो सीरियस होते हैं। उनको देखकर वाइफ पूछती है क्या हुआ। कोई बात नहीं, मैं बहादुर हूं, तुम बताओ क्या तुम्हें बॉस ने जॉब से निकाल दिया। अगर तुम्हें जॉब से भी निकाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। पर वो कहता है कि जॉब से नहीं निकाला, बल्कि उसने ये बोला है कि तुम किराएदारों का किराया कम कर दो। ये बात सुनकर उसकी वाइफ कहती है कि ना तुमने ना ड्रिंक कर रखा है, तुमने एक बोतल वाइन पी ली होगी और वाइन के नशे में तुम वहां गए होगे, उसने बोला होगा किराया बढ़ाओ और तुम्हें लगा है किराया कम करो। वो कहता है नहीं। तो ये बात सुनकर वो खुद मैडम बर्नार्ड विकोमट डी बी के पास जाती है और उससे कंफर्म करके आती है। तो वो कहता है हाँ जी मैंने किराया कम करने को बोला है। तो वो कहती है कि आप ये बात मुझे रिटर्न में लिख कर दे दो। तो वो ये बात रिटर्न में लिख कर दे देता है। अब ये सोचते हैं कि हम ये बात किराएदारों को कैसे बताएं, या हम इस विकोमट के रिश्तेदारों को भी बताएं कि ये तो थोड़ा पागल हो गया है। इसके बाद में वो ही जाकर जब ये यहाँ पे 23 किराएदार रहते हैं और वो मिस्टर बर्नार्ड अगले दिन अपना सबसे बढ़िया कोट पहनते हैं और वहां जाकर ये सूचना देते हैं कि भाई इस किराएदार ने किराया कम कर, मकान मालिक ने किराया कम कर दिया है। और इसके बाद में सब लोग शोर मचाने लग जाते हैं। जो लोग कभी आपस में बातचीत नहीं करते थे वो लोग भी आकर बात करने लग जाते हैं कि किराया क्यों कम कर दिया। सब सोचते हैं कि इसके पीछे ना कोई जरूर कोई बड़ा काम होगा, क्योंकि कोई भी जो समझदार बंदा है, बुद्धिमान इंटेलिजेंट पर्सन है ना, वो कभी भी किराया कम नहीं करेगा। और उसने कहता है कि या तो उस पर कोई दबाव डाला गया होगा। हर कोई बंदा कहता है कि इसके पीछे कोई चक्कर है। तो 6 स्टोरी की ये बिल्डिंग है, हर स्टोरी में ये चक्कर आ जाता है। हर एक आदमी अपने अपने दिमाग से कोई ना कोई आइडिया ले आता है। कोई कहता है कि इस बंदे ना कोई बहुत ही खतरनाक क्राइम किया होगा जिसके कारण वो ये पश्चाताप में ऐसा कर रहा है, ठीक है। वो कहता है कि इसलिए वो कहता है कि अच्छा अच्छा ये हुआ। कोई कहता है शायद ये घर बड़ा बेकार बना हुआ है, पर हाँ ये कोई कहता है ये तो नहीं कह सकते पर घर थोड़ा पुराना है। और वो कहता है कि इसीलिए तो इन्होंने लास्ट साल यहाँ पे ना एक नाली निकलवाई थी। अब एक बंदा कहता है कि नहीं इनके ना तय खाने के अंदर नकली सिक्के बनाने की फैक्ट्री है, मैंने कई बार धक धक की आवाजें सुनी है। एक कोई रशियन कहता है कि कोई और कहता है कि साहब किसी रशियन जासूस जो है ना वो इस घर में रह रहे हैं। कोई ये सोचता है कि शायद ये बंदा ना घर को आग लगाकर, सारे फर्नीचर को आग लगाकर इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेना चाहता है।
इसके बाद में तो ये लोग कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर ना बड़ी अजीब अजीब से आवाजें आती हैं। चौथे मंजिल पर एक नर्स रहती है, वो कहती है कि मुझे तो ना पुराने के मकान मालिक का भूत दिखा था। और इस तरह से सारी जगह शोर मच जाता है और धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, लोग बर्नार्ड जाकर सारी बात बताता है। धीरे धीरे लोग इस मकान को खाली करना शुरू कर देते हैं। कभी कोई मकान खाली करता है, बर्नार्ड कहता है ठीक है जो जाना चाहता है वो जाए। धीरे धीरे लोग खाली कर जाते हैं। बर्नार्ड को भी सारी खबर मिलती है। बर्नार्ड को भूत ने तो कभी दिखा नहीं था लेकिन उसको बड़ा डर लगता है। उसकी वाइफ कहती नहीं 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 वो कहती है कि नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं है। धीरे धीरे ये खबर आगे चलती रहती है। इस तरह से 23 जो किराएदार है वो घर को छोड़कर चले जाते हैं और वो बाहर बोर्ड लगा देते हैं कि ये घर किराए के लिए उपलब्ध है। अब जब बर्नार्ड घर में जाता है तो उसको भी बड़ा डर लगता है। इसके बाद में जब ये 23 के 23 किराएदार चले जाते हैं और एक दिन बर्नार्ड भी वहां से चला जाता है और अब ये जो घर है ये एक सुनसान घर बन जाता है, द अकर्स्ड हाउस बन जाता है, जिसकी हिस्ट्री मैंने आपको बताई है। ऐसा ये ऑथर कहते हैं कि यहाँ पर गेटों पर बड़ी मिट्टी जम जाती है, घास उग जाती है, कोई भी किराएदार यहाँ नहीं आता है और इसकी जो इतनी बदनाम हो जाता है कि आसपास के जो घर है ना उनका भी रेट कम हो जाता है। तो अब आप सोच लो कि किसी ने जब घर का रेट कम किया तो उसका ये परिणाम हो सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरा शॉर्ट वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।